गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स होता है यूनिट, बहुत यूनिट जब मिलता है तब बनता है पॉलीमर। मोनोमर होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट 10^3 to 10^7 जब मिल जाता है तब ये बनता है। कम से कम 10^3 चाहिए और 10^7 तक भी जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग पॉलीमर। देखते हैं पॉलीमर क्या है। पॉलीमर पॉलीमर टॉपिक का नाम हो गया पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स हो गया पॉली पॉलीमर, दो पार्ट में है ये। पॉली मीन्स होता है मेनी, मर मीन्स होता है यूनिट, मीन्स होता है यूनिट। तो बहुत यूनिट जब मिलेगा तब, मेनी यूनिट जब मिलेगा तब तब क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर, मोनोमर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। इसका मतलब क्या होगा? ये जो होगा पॉलीमर जो होगा, दैट मीन्स पॉलीमर विल बी मैक्रो मोलेक्यूल ना। दैट मीन्स पॉलीमर, दैट मीन्स पॉलीमर इज मैक्रो मोलेक्यूल्स। मोलेक्यूल्स मतलब लार्ज मोलेक्यूल होगा, ठीक है। इसमें जो है मैक्रो मोलेक्यूल में हाई मोलेकुलर मास होगा। पॉलीमर हैव हाई मोलेकुलर मास, हाई मोलेकुलर मास। इसका जो मास होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें यूनिट जो मिलता है, पॉलीमर कंटेंस 10^3 to 10^7 मोनोमर यूनिट्स। इतना मोनोमर मिलता है तब बनता है पॉलीमर। पॉली मीन्स होता है मेनी, मीन्स मर मीन्स हुआ यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। दैट मीन्स पॉलीमर इज मैक्रो मोलेक्यूल, लार्ज मोलेक्यूल। पॉलीमर है हाई मोलेकुलर मास। पॉलीमर कंटेंस 10^3 to 10^7 मोनोमर यूनिट। इतना मोनोमर यूनिट मिलेगा तब ये बनेगा पॉलीमर, ठीक है। ये हो गया पॉलीमर। पॉलीमर के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट।
देखिए यहाँ जो पॉलीमर है हाई मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास का यूनिट है 10^3 to 10^7 यूनिट, ठीक है, उसका नहीं था, नंबर ऑफ यूनिट नहीं था, वो 10^3 to 10^7 यूनिट है, ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पर पॉलीमर का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसमें जो है 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, ये जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है क्या चीज, फर्स्ट पार्ट होता है नेचुरल पॉलीमर, क्या पढ़ेंगे, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कहाँ से मिलेगा, इट इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, ये प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, इसमें दो तरह का हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा, ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, जो बैक्टीरिया जिसको डिस्ट्रॉय करे, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो होता है, ये सब एग्जांपल क्या है, स्टार्च, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया या जर्म्स, बैक्टीरिया, ठीक है, एग्जाम्पल होगा स्टार्च प्रोटीन, ठीक है, सेल्यूलोज ग्लाइकोजेन, ये सब जो है क्या है, सेल्यूलोज प्रोटीन ग्लाइकोजेन स्टार्च ईटीसी, ये सब मेरा क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी होता है नेचुरल में, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर,
नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रबर है, रेजिन है, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, इसको जल्दी ख़त्म नहीं कर पाता है, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है रबर, रेजिन, इटीसी। इसका होगा रबर, रेजिन, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसको कहेंगे? सेल्यूलोज डेरिवेटिव, ठीक है, सेल्यूलोज लोज डेरिवेटिव वेटिव एज सेल्यूलोज एसीटेट एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है? सेल्यूलोज डेरिवेटिव एज सेल्यूलोज एसीटेट, जब सेल्यूलोज और एसिटिक एसिड को मिला दीजिएगा, नाइट सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये सब क्या है? सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। सेल्यूलोज डेरिवेटिव है सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तीसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर, सी नंबर होता है इसका, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? जो मैन मेड है, जिसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर सकते हैं ना, जो मैन मेड है और लेबोरेटरी में, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर, दिस टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर दिस टाइप ऑफ पॉलीमर मेक इन लेबोरेटरीज ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज, ठीक है। इस टाइप का पॉलीमर जो होता है लेबोरेटरी और इसमें बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल अट जा रहा है ना, अच्छा आ जाएगा फिगर। पॉलीथीन बाद में पढ़ेंगे, पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन बुना एस नायलॉन 6-6, जितना हम लोग पढ़ेंगे सब सिंथेटिक ही रहता है। नायलॉन 6-6 और नियोप्रीन ETC, हम लोग जितना पढ़ेंगे अभी पॉलीमर सब सिंथेटिक है,
ये तो कम रहता है ना, नेचुरल तो बहुत कम रहता है, यही दो पांच तो है, स्टार्च प्रोटीन सेल्यूलोज ग्लाइकोजन यही है नेचुरल। उसके बाद तो जैसे ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, रबर रेजिन ये सब। सेमी सिंथेटिक में भी नेचुरल प्लस सिंथेटिक मिला तब सेमी सिंथेटिक हुआ। सेमी सिंथेटिक मतलब क्या हुआ, नेचुरल प्लस सिंथेटिक। सेल्यूलोज जैसे नेचुरल है, एसिटिक एसिड क्या है, मैन मेड है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक पॉलीमर, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर मेक इन लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज, इसको लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में बनाते हैं हम लोग। पॉलीथीन, बुनायस, बुना नायलॉन 66, न्यूप्रीन ईटीसी, ठीक है। तो ये हो गया क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलीमर, सोर्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर, बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट। एक हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया सेमी सिंथेटिक, तीसरा हो गया सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जब करते हैं तो लीनियर पॉलीमर क्या होता है, ये कंटिन्यूअस लीनियर है, ऐसे है। तो इसमें डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, सटा सटा रहेगा, तो बहुत सारा पॉलीमर मास बढ़ जाता है। इसमें देखते हैं सटा सटा रहे, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये क्या है, लीनियर पॉलीमर है। जब लॉन्ग चेन, दीज पॉलीमर कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, इसमें डेंसिटी बढ़ जाता है, नहीं बढ़ेगा। जब सटा सटा पॉलीमर रहेगा लॉन्ग चेन, तो डेंसिटी इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो होगा, अब इसके बीच गैप नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ये सब का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा होता है ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है, इसमें ब्रांचिंग हो जाता है, इसमें क्या होता है, दीज पॉलीमर, दीज पॉलीमर कंटेंस कंसिस्ट कंसिस्ट लॉन्ग चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन एंड एंड सम ब्रांच, एंड सम ब्रांच, इसमें क्या होता है, कुछ ब्रांच होता है, ठीक है। इसमें जब कुछ ब्रांच होगा, सम ब्रांचेज लिख दीजिए, सम ब्रांचेज, जब सब ब्रांच होगा ये क्या होगा, मान लीजिए ये पॉलीमर है मेरा, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें ब्रांच है तो ये तो मेरा सट नहीं पाएगा, ऐसे चला जाएगा, ब्रांच है ये सट नहीं पाता है, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा
लो डेंसिटी डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, LDPE, ठीक है, LDPE इसको बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, चूंकि इसमें अब सट के तो रहेगा नहीं मोनोमर, जब मोनोमर बहुत कम रहेगा, गैप रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी घट जाता है नहीं। जैसे हम लोग केज लाइक स्ट्रक्चर में वाटर का डेंसिटी घट जाता था, उसी तरह यहाँ ब्रांच होने के कारण क्या होता है, घट जाता है डेंसिटी। थर्ड नंबर है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है। इसमें दिस पॉलीमर कंटेंस क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, दिस पॉलीमर पॉलीमर्स कंसिस्ट्स क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग, इट इज फाउंड इन इट इज फॉर्म फ्रॉम इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बाय फंक्शनल बाय फंक्शनल एंड ट्राई ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ट्राई फंक्शनल ग्रुप ग्रुप मोनोमर्स, ये जो होगा वैसा मोनोमर में होगा जिसमें बाय दो फंक्शनल ग्रुप हो, तीन फंक्शनल ग्रुप हो, वो करता है क्रॉस लिंकिंग। मतलब क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये पॉलीमर है, ऐसे गया एक स्ट्रेट चेन, एक मान लीजिए यहाँ से है, ठीक है, अब मान लीजिए एक जो है, फिर क्या होगा, मान लीजिए पूरा सी है एक ये है, तो इससे भी ये जुड़ा हुआ है, इससे भी ये जुड़ा हुआ है, इससे भी ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाता है क्रॉस लिंकिंग, दिस पॉलीमर कंसिस्ट क्रॉस लिंकिंग, इट इज फॉर्म्ड फॉर्म्ड फ्रॉम बाय फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल ग्रुप मोनोमर, क्या लिखा गया, मोनोमर, मोनो मर्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बेकेलाइट पढ़ेंगे हम लोग अलग से, फिर बेके लाइट इसका एग्जाम्पल है, मेलेमाइन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, सब ये सब पॉलीमर है, यूरिया फॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड डी हाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तीन तरह का हो गया नहीं, लीनियर पॉलीमर जिसमें सिर्फ लीनियरली रहेगा, इट दिज पॉलीमर कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में रहता है, तो हाई डेंसिटी पॉलीमर, इसका क्या होगा, सब
एक जगह आ जाएगा, जब स्टेट में रखेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड और हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जांपल है। ब्रांच चेन वाला का लो डेंसिटी पॉलीथीन है, क्रॉस लिंकिंग का बेकेलाइट है, मेलेमाइन है, यूरिया फॉर्मलिन। इसमें क्या होता है क्रॉस लिंकिंग, इससे ये भी जुड़ा रहेगा और इससे ये भी जुड़ा रहेगा और इससे ये भी जुड़ा रहेगा, सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, वहाँ क्रॉस लिंकिंग हो जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग बाद में बनाएंगे फिगर, बेकेलाइट का, मेलेमाइन का, यूरिया फॉर्मलडिहाइड, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ये क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर हुआ, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी देख लिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पहला होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में दो पार्ट में होता है, होमोपॉलीमर, इसका दो पार्ट होगा, होमोपॉलीमर, होमो पॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स का मतलब क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर, पॉलीमराइजेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर। जब एक टाइप के मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होगा तब क्या होगा, ये कहलाएगा होमोपॉलीमर। इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल इसका होगा पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीस्टरीन, रेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा इसका एग्जांपल, टेफ्लॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये सब है इसका एग्जांपल, ठीक है। दूसरा होता है कोपॉलीमर्स किसको कहते हैं, ईटीसी कर दीजिए, अभी तो पढ़ेंगे बाद में सबका, ईटीसी। कोपॉलीमर्स किसको कहेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स। इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, इसका एग्जांपल होता है बूना एन, ये सब इसका बनाएंगे, सबका स्ट्रक्चर खींचेंगे बाद में, अभी टाइप कर लीजिए बूना एस, जब ब्यूटाडाइन और स्टायरीन मिलेगा तो बूना एस बनेगा, बूना एन, ठीक है, बूना एन, ये सब इसका एग्जांपल है। इसमें बी होता है, बी जो होगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, इसमें जो है क्या होगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है।
ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे नायलॉन 66, इसमें बाय फंक्शनल ट्राई फंक्शनल ग्रुप वाला मोनोमर रिपीट होता है, ठीक है। तो मोनोमर रिपीट होगा तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे नायलॉन 66, नायलॉन 66, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, टेरेलिन, टेरेलिन, इसी को डेक्रॉन भी कहते हैं, टेरेलिन डेक्रॉन, ठीक है। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल, बेकेलाइट, हाँ बेकेलाइट भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, बेकेलाइट, ठीक है। इस ईटीसी कीजिए बाद में सबको एक एक, सब पॉलीमर जितना लिख रहे हैं सबका इक्वेशन के साथ पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता है कि रिपीट करता है, इन दिस केस रिपीट मोनोमर्स, इसमें एन टाइप मोनोमर्स रिपीट करता है, ये सेम वन टाइप मोनोमर रिपीट करेगा तो होमो पॉलीमर कहलाएगा, डिफरेंट टाइप का टू डिफरेंट टाइप का मोनोमर करेगा तो को पॉलीमर कहलाएगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप का तो होगा ही, लेकिन इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में स्मॉल मोलेकुल बाहर निकलता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऑन द मोलेकुलर फोर्स, पॉलीमर को हम लोग फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स पढ़िए, तो पहला होता है इसमें इलास्टोमर, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स किसको कहते हैं, ये एक प्रकार का रबर है, दीज आर, दीज आर रबर, ये क्या है, एक रबर है, लाइक सॉलिड विथ, लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक विथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज, प्रो प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें जो मोनोमर होता है ये क्या होता है, वीक मोलेकुलर फोर्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। पॉलीमर चेन, पॉलीमर चेन हेल्ड बाय वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स, बाय वीक इंटर मोलेकुलर फोर्स इसमें लगा रहता है, वीक इंटर मोलेकुलर फोर्स। जब वीक इंटर मोलेकुलर फोर्स रहेगा तो वी ड्यू टू वीक इंटर मोलेकुलर फोर्स ये क्या होगा, ये खिंचाएगा भी, स्ट्रेस्ड भी होगा, ड्यू टू वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स
पॉलीमर टू बी स्ट्रेस्ड, पॉलीमर टू बी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ठीक है। पॉलीमर को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, खिंचा जाएगा। और कुछ क्रॉस लिंकिंग भी रहता है, सम क्रॉस लिंकिंग, सम क्रॉस लिंकिंग आर प्रेजेंट, सम क्रॉस लिंकिंग आर प्रेजेंट, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग आर प्रेजेंट बिटवीन चेन, प्रेजेंट बिटवीन, बिटवीन चेन, बिटवीन चेन हेल्प टू द पॉलीमर, बिटवीन चेन हेल्प, हेल्प द पॉलीमर, हेल्प द पॉलीमर रिट्रैक्ट, हेल्प द पॉलीमर रिटर्न्स, रिटर्न्स टू ओरिजिनल, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। इसमें क्या होता है, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स से जुड़ा रहता है, वंडरवाल्स फोर्स से, ठीक है। और वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स होने के कारण क्या है, जितना खींचेंगे खींचा जाएगा। क्रॉस लिंकिंग होने के कारण क्या होता है, स्ट्रेस्ड तो होता है, ड्यू टू वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स पॉलीमर टू बी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस तो होगा। सम क्रॉस लिंकिंग आर प्रेजेंट बिटवीन चेन हेल्प द पॉलीमर रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन, अपने पोजीशन पे रिटर्न होने में हेल्प भी करता है, ठीक है। तो अपने पोजीशन में आने में हेल्प करता है। तो इस टाइप का जो पॉलीमर होता है, इसका एग्जांपल क्या है, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, ठीक है। बुना एन, बुना एन, बुना एस, बुना एस, नियोप्रीन, नियोप्रीन, ये सब जो है इलास्टोमर है, ठीक है। इलास्टोमर में क्या होता है, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स पॉलीमर के बीच रहता है, और इसके कारण वो स्ट्रेस्ड भी हो जाता है, और क्रॉस लिंकिंग के कारण वो पॉलीमर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा है फाइबर्स, दूसरा क्या है, फाइबर्स, फाइबर्स, ठीक है। देखिए फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट रहता है इसमें। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इट रिमेन्स क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स एंड बिकम्स क्रिस्टलाइन नेचर, इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीएमाइड्स, पॉलिस्ट्रीन, नायलॉन 66 ETC, ठीक है। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक नहीं दीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया दो, अब दो लिखेंगे हम लोग, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, इसका लीजिए एग्जाम स्क्रीनशॉट। देखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, दीज आर लीनियर एंड सम ब्रांच,
इसमें लीनियर ही रहता है, कुछ ब्रांच रहता है। इट इज़ केपेबल टू रिपीटेडली सॉफ्ट ऑन हीटिंग, ये कैपेबल होता है कि हीट करने पर सॉफ्ट होता है, फिर कूल करने पर हार्ड हो जाता है, हार्ड ऑन कूलिंग। ये रिपीट करते रहता है, सॉफ्ट करने पर हीट करने पर सॉफ्ट हो जाएगा और कूल करने पर हार्ड हो जाता है, ठीक है। इट कंटेंस इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स, ये जो है इंटरमीडिएट फोर्स, ये इसमें जो लगता है, इसमें इलास्टोमर और फाइबर के बीच जो बीच का फोर्स है, जैसे उसमें लगता था वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स और इसमें लगता था हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उस बीच का फोर्स लगता है थर्मोप्लास्टिक में, ठीक है। इसका एग्जांपल है पोलिस्टरीन, पॉलीविनाइल, पॉलीथीन ईटीसी। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, दीज आर क्रॉस लिंक्ड, ये क्रॉस लिंक रहता है और हैवी ब्रांच्ड मोलिकूल होता है, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है इसमें। इट इज़ इनफिजिबल एंड नॉट रीयूज्ड, ये इनफिजिबल है और दोबारा यूज नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल होता है बेकेलाइट, मेलेमाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड रेजिन, ठीक है। अब ये चारों में स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो थर्मोसेटिंग का सबसे ज़्यादा होता है। स्ट्रेंथ देखिए क्या होता है, ये ऑर्डर याद रखिएगा, पूछा है स्ट्रेंथ जो होता है इसका थर्मोसेटिंग का सबसे ज़्यादा होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। देखवे करते हैं बेकेलाइट कितना स्ट्रांग होता है, उसके बाद फाइबर्स का होता है स्ट्रांग फोर्स लगता है, फाइबर्स का होगा, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक का होता है, थर्मोप्लास्टिक का होता है, इसमें तो वीकेस्ट फोर्स है इलास्टोमर में, इलास्टोमर्स में, ये स्ट्रेंथ यही ऑर्डर है इसका, स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग चारों टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पढ़ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिए, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ लिए, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स भी पढ़ लिए। इस तरह से हम लोग हर तरह का टाइप पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, चेन ग्रोथ कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमर। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। जैसे देखिए इथिलीन का ये जो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमर देता है, ये क्या देता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, इट गिव्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग पढ़े थे, थ्री स्टेप में होता है ना, पहला स्टेप होगा चेन इनिशिएशन में क्या होता है, ये टूटेगा पीएच सीओ ओ ओ सीओ पीएच, ये है, ये ब्रेक करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा आपको 2 मोल पीएच सीओ ओ रेडिकल बन गया, दोनों अलग हो गया, बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये रेडिकल जो है फिर ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है।
ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन CO2 निकल जाएगा, यहाँ से फिर ये ब्रेक करेगा और क्या बन जाएगा, PH रेडिकल, PH मतलब फिनाइल है, प्लस CO2 में ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, PH रेडिकल प्लस CO2 में ब्रेक कर गया, चेन इनिशिएट हो गया, मेरा PH रेडिकल मिल गया फिनाइल। दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन होगा तो जितना भी एडिशन पॉलीमर है, मान लीजिए हम लोग लेते हैं इथिलीन, पॉलीथीन बनाते हैं, तो PH रेडिकल इथिलीन के साथ जैसे इथिलीन के प्रेजेंस में जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या बना दें, यहाँ रेडिकल चला जाएगा PH CH2, CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन किया, क्या फिर ये करेगा दूसरे मोलेकुल CH2 को, ये फिर दूसरे के साथ करेगा, फिर ये ब्रेक करेगा, क्या बन जाएगा PH CH2 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 रेडिकल बन गया, फिर इस तरह से तीसरे से करेगा ना, तो इस तरह से क्या होता जाएगा, फिर तीसरे अगला मोलेकुल से करेगा, ये तो मोलेकुल मेरे पास अवेलेबल है, फिर इस तरह से करते जाएगा तो फाइनली इसको क्या लिखना पड़ेगा PH, अब CH2 तो NO टाइप का हो जाएगा, इसको लिख देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल एन, इधर CH2 रेडिकल। अब देखिए ये चेन प्रोपगेशन हुआ, एन मोलेकुल जोड़ते जाएंगे, अब चेन टर्मिनेशन स्टेप होना चाहिए इसमें, हम लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, तो चेन टर्मिनेट होना चाहिए, चेन टर्मिनेशन, चेन जब टर्मिनेशन होगा, चेन जब क्लोज करेगा तो क्या बनेगा, तो दो मोलिकुल मान लीजिए वही हम लोग जोड़ देते हैं, वही लीजिए PH CH2 होल एन देते हैं यहाँ, ठीक है, इधर CH2 रेडिकल है, दूसरा मोलिकुल ये PH CH2 होल एन और CH2 रेडिकल हो गया, यही हो गया, अब ये रेडिकल जब जुड़ेगा यही ना, ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये जब जुड़ेगा तब हम लोग इसको दिखाते हैं इस तरह से PH CH2 होल एन CH2 बॉन्ड बन गया, यहाँ फिर है CH2 होल एन PH ये बना, इसी को हम लोग यहाँ से कटिंग करके हम लोग जो दिखाएंगे इसको ऐसे दिखाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इधर से भी एक कटिंग कर देंगे, एक इधर से होल एन, यही हो गया पॉलीथीन, तो जितना भी एडिशन पॉलीमर होगा सब यही मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमर, तो इट गिव्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एडिशन पॉलीमर ये क्या देता है,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अकर्स थ्री स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अकर्स इन थ्री स्टेप्स, लिख दीजिए फ्री, ऐसे तो जानबे करते हैं आप लोग, सब तो पढ़ा हुआ है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैकेनिज्म अकर्स इन अकर्स इन थ्री स्टेप्स, थ्री स्टेप्स, स्टेप फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पॉलीथीन, हम लोग अब पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स है। पॉलीथीन जैसे है, इसका मोनोमर क्या होता है, मोनोमर है, मोनोमर क्या है, इथीन है, इथीन है पॉलीथीन का मोनोमर, पॉलीथीन का इथीन है। इथीन दो तरह का पॉलीथीन होगा, टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीथीन में हम लोग एक साथ ही पढ़ लेंगे, तो हम लोग तो जानिएगे इथीन है, तो ये कंडीशन क्या होगा इसका, पहला पढ़ेंगे, पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन जब पढ़ेंगे हम लोग, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का इक्वेशन के साथ पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इथीन का एन मोलेकुल, इथीन का एन मोलेकुल, इसका कंडीशन क्या है, 1000 to 2000 ये रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये करता है 1000 to 2000 एटीएम पे, ये जो है 350 to 570 केल्विन पर ये रिएक्शन करता है। इसमें कैटलिस्ट जो यूज होता है, कैटलिस्ट यूज होता है O2 के रूप में, ठीक है। ये बन जाता है मेरा लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये बन जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, होलेन, ये जो रहेगा आपको क्रॉस लिंकिंग एथी में रहेगा, इस तरह से बीच बीच में ये रहता है, जिसके कारण एक जगह नहीं हो पाता, डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। बी जो हम लोग पढ़ेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनेगा, एन मोलेकुल इथीन, एन मोलेकुल इथीन, ये जो रिएक्शन करता है 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्या करता है 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करता है, और 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर पे करेगा हाइट, इतना टेम्परेचर। अब देखिए इसमें कैटलिस्ट जो यूज करते हैं, कैटलिस्ट जो यूज करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं,
जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, जिगलर ZIG, ठीक है, जिगलर नाटा, नाटा एन दीजिए कैपिटले नाम है, नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट में होता क्या क्या है, कैटलिस्ट इसमें होता है ट्राइथाइल C2H5 होल 3 Al प्लस एंटीमनी नहीं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये जो होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड रहता है इसमें, ठीक है, इसमें जो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है 6-7 एटमॉस्फेयर पर प्रेशर पे करता है, और ये जो है ट्राइथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, यही है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। देगा क्या चीज, ये भी देगा यही पॉलीथीन, ये मेरा क्या है पॉलीथीन, फार्मूला पॉलीथीन का यही होगा होलेन, ठीक है, यूज इसका किस में करते हैं, देखिए यूज जो हम लोग करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज किस में करेंगे, इसका यूज यहाँ लिख देते हैं, इसका यूज लिखे ही नहीं, इसका यूज भी लिख देते हैं, ठीक है, यूजेज क्या क्या चीज में होगा, सिक्वीज बोतल में, ठीक है, बोतल में होता है, ट्वाइज में होता है, ट्वाइज में होगा, पाइप में होता है, फ्लेक्सिबल पाइप, कुछ पाइप होता है ना फ्लेक्सिबल पाइप में होता है, उसके बाद इसका बोतल जो हम लोग पी करके फेंक देते हैं ना उसमें होता है, सिक्वीज बोतल में होता है, सिक्वीज बोतल्स में होगा, फ्लेक्सिबल पाइप में होगा, ये सब में यूज करते हैं इसका, इसका यूज कौन सी में करते हैं, यूजेज याद रखना है, मोनोमर याद रखना है, मोनोमर क्या है इथीन है, ठीक है, बकेट में, बकेट बनाने में, डस्टबिन बनाने में, डस्टबिन्स बनाने में, पाइप बनाने में, बोतल बनाने में, यही सब में होता है ETC में, ठीक है, ये सब इसका यूज है। तो याद रखिएगा पॉलीथीन में दो तरह का पड़े, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन का क्या कंडीशन है, यही इतने टाइम याद रखना है और उन सब कुछ नहीं आता है, ये इथिलीन इथिलीन मोनोमर है, ये जो लो डेंसिटी का मतलब हुआ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर बनना, ठीक है, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे होगा, ऐसे होगा, मतलब हाई डेंसिटी है मतलब ये इस तरह से रहता होगा, तब ना इसका हाई डेंसिटी होगा, सटा सटा रहेगा, उसमें क्या है क्रॉस रहता है, ठीक है, इसका लीजिए पॉलीथीन का,
दूसरा पॉलीमर होगा, पॉलीथीन हो गया, दूसरा होगा, दूसरा पॉलीमर होगा स्टायरीन, दूसरा दूसरा होगा पॉलिस्टरीन, ठीक है, पॉलिस्टरीन। पॉलिस्टरीन का मोनोमर जो होता है, मोनोमर इसका क्या होगा, मोनोमर इसका होता है स्टायरीन, मोनोमर जो होता है ये होता है स्टायरीन, ठीक है। ये पॉलीमर है, देखिए बनता है किस, ये है मेरा स्टायरीन, पीएच बेंजीन रिंग रहता है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, ये बना स्टायरीन है, ये क्या है स्टायरीन है। इसका एन मोलेकुल मिलेगा, ठीक है, इधर ही मोनोमर लिखते हैं आसानी लगेगा, इधर हो जाएगा दूसरा मोनोमर, मोनोमर इधर हो जाएगा पॉलीमर, पॉलीमर्स, ठीक है। इसका एन मोलेकुल जब मोनोमर है ये पॉलीमर, अब बनेगा क्या चीज, पॉलिस्टरीन, क्या बन जाएगा पॉलीमर, पॉलिस्टरीन। ये कैसे हो जाएगा, इसका सी एच पी एच इधर आ जाएगा, सी एच टू होल एन, ये हो जाएगा पॉलिस्टरीन, पॉलिस्टरीन। ये एन मोलेकुल जब इसका मिलेगा तब पॉलीमर क्या हो जाएगा, पॉलिस्टरीन। इसका यूज जो हम लोग करते हैं, यूजेज में क्या लिखेंगे, रेडियो में करते हैं, रेडियो में करते हैं, टीवी में करते हैं, टॉयज में करते हैं, ठीक है, कैबिनेट बनाने में करते हैं, रेडियो टीवी का कैबिनेट बनाने में, कैबिनेट, कैबिनेट बनाने में, ईटीसी में, ठीक है। अब देखिए एक्राइलोनाइट्राइल, तीसरा एक्राइलोनाइट्राइल जो रहता है, एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, सी एन उसमें आ जाता है, सी एन सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये कहलाता है एक्राइलो, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। ये एक्राइलोनाइट्राइल यही पूछता है बार बार, इसका मोनोमर क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसका कंडीशन सब पॉलीथीन का याद कर लिए बहुत है, उससे ज़्यादा का पूछता नहीं है। एक्राइलोनाइट्राइल जो है पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बन जाता है पोली एक्राइलोनाइट्राइल, ये बन जाएगा सी एच सी एन सी एच टू, ऐसे जुटते जाएगा होल एन, इसको कहें पोली एक्राइलो नाइट्राइल, पोली एक्राइलो नाइट्राइल। ये जो यूज होता है सब्स्टिट्यूट ऑफ आजकल उलन का जो रहता है सब्स्टिट्यूट ऑफ उल इन मेकिंग, उल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर, कॉमर्शियल फाइबर उल के बदला में जो बनाते हैं हम लोग, इसमें कैटलिस्ट जो होता है पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, पेरोक्साइड
कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है ठीक है। अब देखिए चौथा होता है, एक एक करके पढ़ते जाते हैं, टेफ्लॉन, ठीक है। चौथा क्या है? टेफ्लॉन। तो टेट्रा फ्लोरो इथीन होगा इसका, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्रा फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरो इथीन, इथीन ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैटलिस्ट यूज करेंगे, इससे ये बनेगा, ठीक है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर पर ये बनता है, ठीक है। हाई प्रेशर सिंपली ऐसे याद रखना, उतना याद रखने का जरूरत नहीं होता है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर पर ये कैसे बन जाएगा? CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 इधर इधर से भी होल है, ठीक है। इसी को कहते हैं टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पॉलीमर क्या हो गया? टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन का हम लोग यूज क्या करते हैं? नॉन स्टिक सरफेस, नॉन स्टिक सरफेस में कोटेड अनटेंसिल सरफेस, कोटेड अनटेंसिल, टेंसिल, ठीक है। कैटलिस्ट हाई प्रेशर CF2 होल एंड टेफ्लॉन नॉन स्टिक सरफेस कोटेड अंश, इसमें यूज करते हैं हम लोग, जो रोटी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं ना, तो वो नॉन स्टिक सरफेस जो बनता है यही टेफ्लॉन यूज किया जाता है। तो टेट्रा फ्लोरोइथीन हुआ, टेफ्लॉन इसका बना, ठीक है। हम लोग लिखे नहीं है, गलत किए, जैसे ये मोनोमर है सही है, ये पॉलीमर हो गया टेफ्लॉन, तभी इस तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर में पढ़ते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, पॉलीथीन हो गया, स्टाइरीन हो गया, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। विनाइल क्लोराइड में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है, इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड जो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पोली विनाइल क्लोराइड में। ये किस में हो जाएगा? CH2CHCl होलेन ये कहलाएगा पोली विनाइल क्लोराइड, पोली विनाइल क्लोराइड, पोली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका यूज करेंगे रेनकोट में हैंड बैग में यूज करते हैं, ठीक है। वाटर पाइप सब में भी यूज होता है, वाटर पाइप्स में यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए पॉलीस्टीरीन, ये हो गया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये हो गया मेरा टेफ्लॉन, ये हो गया PVC, ये अलग कर दीजिए, ये तो उससे बना है, ये यूज है, ठीक है। इसी तरह हम लोग पढ़ लेते हैं, मेन इसका यही पूछता है, इसका मोनोमर क्या है, ठीक है। पांच को पढ़ लिए मोनोमर, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला लिखते हैं छठा।
ये टू नंबर ये हुआ, ये मोनोमर है, टू नंबर ये हुआ, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आइसोप्रीन हो, आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आइसोप्रीन। इससे नेचुरल रबर बनता है, नेचुरल रबर बनता है। इसका होल एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो यही मेरा पॉलीमर हो जाएगा। ये पॉलीमर क्या हो जाएगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल एंड यही है CIS14 पोली आइसो, ये रहेगा CIS फॉर्म में रहेगा, तो ये नेचुरल रबर है। तो इसका यूज जो हम लोग करते हैं टायर बनाने में करते हैं, इसका यूज क्या चीज़ में करेंगे, टायर बनाने में। आइसोप्रीन से नेचुरल रबर बनता है, यही है फॉर्मूला। अब देखिए क्लोरोप्रीन से न्यूप्रीन बनेगा, दूसरे पोजीशन पे अगर सीएल है तो क्लोरोप्रीन कहलाता है, क्लोरोप्रीन PREN। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा पोजीशन पर सीएल ग्रुप आ जाएगा, ये मेरा क्लोरोप्रीन बनता है, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन होगा, सब में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, सीधा याद रखिएगा। ये क्या बन जाएगा, नियोप्रीन CH2 CL डबल बॉन्ड CH2 होल एन। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा नियोप्रीन, ये बन गया नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन का यूज हम लोग कन्वेयर बेल्ट में करते हैं, इसका यूज जो करते हैं कन्वेयर बेल्ट में करते हैं, ठीक है, गैस्केट्स में करते हैं, गैस्केट्स में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, इट इज सुपेरियर रेसिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स का होता है ये, ठीक है। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बन जा गया। अब देखिए हम लोग यूज करेंगे और क्या चीज, आइसोप्रीन नियोप्रीन हो गया, और क्या होगा, और यही है, ये सब मतलब एक ही मोलेकुल यूज होता है, ठीक है, एक ही मोलेकुल जिसमें यूज होता है यही है। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट को पोलीमर, ये सब था होमोपोलीमर, ये सब जो पढ़े सातों हम लोग होमोपोलीमर पढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब पढ़ेंगे कोपोलीमर। इसका मोनोमर जो होता है ये ब्यूटाडाइन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटा 13 डाइन
ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है प्लस एन है तो क्राइलोनाइट्राइल, एक क्राइलो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन है, ये पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये पेरोक्साइड इसको पढ़ते हैं क्राइलोनाइट्राइल, एक क्राइलो नाइट्राइल, या इसको क्या पढ़ेंगे प्रोप टू ईन नाइट्राइल, आईपीएससी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे प्रोप टू ईन नाइट्राइल, ठीक है। ये पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज करेंगे इसमें, पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर फिर बॉन्ड बनेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है सी एच टू, इसका ऐसे यहाँ से लीजिए सी एच टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, उसके बाद यहाँ लेंगे इसका ये सी एच का बॉन्ड जाएगा सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच सी एन, ठीक है, सी एच सी एन इधर होल एन, तो यही है बुना एन, बुना एन ये हो गया पॉलीमर, पॉलीमर बुना एन पॉलीमर का ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया मोनोमर हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया मोनोमर हो गया। इसका यूज जो करते हैं हम लोग ऑटो टायर में करते हैं, फुट वियर्स में करते हैं, ये बुना एन बनाए जी, हाँ बुना एन है, यूजेज इसका देखिए, इसका यूजेज जो पढ़ेंगे हम लोग ऑयल सील में करते हैं, टैंक लाइनिंग, ऑयल सील्स एंड टैंक लाइनिंग में, ठीक है। दूसरा होता है बुना एस, बुना एस, ठीक है, इसमें क्या लेते हैं ब्यूटाडाइन, यही होता है ब्यूटा 1,3-डाइन, यही सेम अथी है मोनोमर ब्यूटा 1,3-डाइन, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाता है मोनोमर के रूप में स्टाइरीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच पी एच लेते हैं फिनाइल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया बुना एन, देखिए इसका कैसे बनता है, इसको हम लोग बनाते हैं बुना, ये है मेरा बुना एन बना लिए, ये है ब्यूटाडाइन, ब्यूटा वन थ्री डाइन, इसका नाम कॉमन नेम है स्टाइरीन, इसीलिए बुना एस नाम पड़ता है एस टी वाई आर ई एन ई स्टाइरीन। इसका पोलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है, पोलीमराइजेशन जो करते हैं ये, तो ठीक है, ये चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन होता है, तो ये जो है मेरा हो जाता है यहाँ से देखिए सी एच टू ऐसे जाएगा होल एन सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू,
ये देखिए, ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये इधर से जुड़ता है, ठीक है। ये इधर से जुटेगा, CH, PH यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा CH2, इधर होलेन, ये हो गया बुना S, ठीक है, पॉलीमर हो गया। ये बुना S है, इसका यूज कौन सी में करते हैं? ऑटो टायर में करते हैं। यूजेज इसका लिख लेते हैं, यही यूजेज हो गया ऑटो टायर्स, फुटवियर्स, फुटवियर्स, ठीक है, फ्लोर टाइल्स में भी करते हैं, हाँ, फ्लोर टाइल्स में, ठीक है, केबल इंसुलेशन में भी होता है, केबल इंसुलेशन में होता है, यही सब हो गया ETC। ये हो गया मेरा बुनायस पॉलीमर, ये दोनों मेरा क्या हो गया, ये दोनों मेरा हो गया मोनोमर, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, बुना N और बुना S, ठीक है, ब्यूटाडाइन और इसका एक्रैलोनिट्राइल का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करेंगे। यहाँ सब में लिख दीजिए पॉलीमराइजेशन, 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 पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये क्या बन जाता है, ये बुना S बन जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए नायलॉन 6-6 कैसे बनता है, इसमें 6-6 का मतलब होता है 6-6 कार्बन का दो मोनोमर है, इसमें होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन, तो डायमीन है तो हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन होल 6 हो गया डायमीन, इसको पढ़ते हैं हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन, डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन जब रिएक्शन करता है किससे, इसका N मोलेकुल दूसरा मोलेकुल का ADP के एसिड, COO ऐसे लिखिए, HOCOCH2O4 और COOOH रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं ADP के एसिड, ADP एसिड। ये दोनों को इसका IPSC नाम क्या होगा, हेक्सेन 16 डायमाइन, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन 16 डायमाइन, इसका क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन 16 डायओइक एसिड, डायओइक एसिड, दोनों नाम है, ADP कॉमन नेम है। इसको जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर 553 केल्विन पर, हाई टेम्परेचर हुआ हाई प्रेशर पर भी ये जब कंडेंस करता है तब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये H2O बाहर हो जाएगा, इधर से ये H बाहर होगा, इधर से ये OH बाहर हो जाएगा, दूसरा मोलेकुल के साथ ऐड होगा नहीं, तो क्या बना पॉलीमर मेरा, ये बचा NH CH2 का होल 6 NH CO
CH2 का होल फोर बचा, इधर बचा फिर CO, इसका होल एन जब कर देंगे तब ये बन गया मेरा नायलॉन 66, नायलॉन 66 हो गया। यूजेज इसका क्या होता है, यूजेज इसका जो हम लोग लेंगे, देखिए यूजेज में ये जो है इसका यूजेज में हम लोग लेंगे, इसका यूज कीजिए इसमें, इसमें सीट मेकिंग, सीट मेकिंग सीट बनाने में यूज करते हैं, ब्रिस्टल बनाने में यूज करते हैं, ब्रिस्टल्स बनाने में यूज करते हैं, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस लिख लीजिए, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टाइल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन 6, दूसरा क्या पढ़ेंगे नायलॉन 6। नायलॉन 6 कैसे बनता है ये बड़ा बात है। नायलॉन 6 जो बनाते हैं कैप्रोलेक्टम बनता कैसे है, देखिए कैप्रोलेक्टम का ही हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है ना, तो ये होता क्या है, देखिए ये इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं NH2OS से, NH2OH से, ठीक है। ये H2O बाहर हो गया, ये क्या बन गया N डबल बॉन्ड N OH बन गया। जब इसका फिर H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है मेरा कैप्रोलेक्टम, ठीक है, ये ऐसे बन जाता है डबल बॉन्ड O N H बन जाता है, यहाँ पर है ये बीच में है N N H, यही है कैप्रोलेक्टम, कैप्रो कैप्रोलेक्टम, ठीक है। ये मोनोमर हुआ, कैप्रोलेक्टम क्या हुआ मोनोमर। इसका जब हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं हाई टेम्परेचर पर, क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइसिस इसका कर देते हैं, हाई टेम्परेचर कितना लेते हैं 533 से 543 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डिग्री 543 केल्विन पर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बना देता है, ये बना देता है मोनोमर N मोलेकुल। इसका फिर यूज करेंगे हम लोग, ये बन जाएगा क्या चीज़, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा तो क्या बन जाता है NH2 CH2 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 CH2, कितना हो गया 4 NH2 CH2 होल 4, ठीक है, NH2 CH2 होल 5 ना होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 होल 4 कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम जो होता है मेरा CO होता है बीच में, ठीक है,
NH बीच में मेरा पांच कार्बन होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, पांच कार्बन होता है, NH2CH2 होल फाइव COOH होता है, COOH। जब इसका N मोलेकुल यूज करेंगे, ठीक है, इसका N मोलेकुल यूज जब करेंगे तब ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, नाइलॉन सिक्स में। अब NH का इधर COOH से निकलेगा, NH इधर CH2 होल फाइव, इधर बचा COOH निकला होगा इसका होल N, यही है नाइलॉन सिक्स है। ये क्या है, नाइलॉन सिक्स है। यूजेज क्या होगा इसका, ये हुआ मोनोमर ये भी है, ठीक है, कैप्रोलेक्टम से बनाते हैं वो नाइलॉन सिक्स। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मोनोमर जो कहता है यही होता है मोनोमर, ये दोनों मोनोमर हुआ, ये दोनों इसका मोनोमर, वो क्या हो गया पॉलीमर, ठीक है। यूजेज में क्या होगा, यूजेज लिखिए इसका, टायर कॉर्ड फैब्रिक्स एंड रोप्स बनाने में यूज होता है, रस्सी रोप्स बनाने में यूज करते हैं इसका। तो नाइलॉन सिक्स कैसे बनता है, इसका NH2OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उससे कैप्रोलेक्टम बना, कैप्रोलेक्टम को हाई टेम्परेचर पर वाटर के साथ रिएक्शन करा करके वो बनाते हैं हमको एमिनो हेक्सेनोइक एसिड, उसका फिर पोलीमराइजेशन करके नाइलॉन सिक्स बन जाता है। तो उसका यूज करते हैं हम लोग टायर कॉर्ड बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, ETC में, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए टेरेलिन और डेक्रॉन जो है ये रिएक्शन करके इथिलीन ग्लाइकॉल और पैथलिक एसिड रिएक्शन करके पॉलीमराइज होकर के क्या देगा, यहाँ से H2O निकलेगा, ठीक है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा आपका O CH2 CO ये बचेगा, यहाँ CO होल N, ठीक है। इसको कहते हैं टेरेलिन, इसको कहते हैं टेरेलिन, ठीक है। ये जो रिएक्शन करता है ये पता नहीं किस कंडीशन में करता है, 420 से 460 केल्विन पर, 460 केल्विन पर। इसमें कैटलिस्ट जो यूज करते हैं जिंक एसीटेट प्लस SB2O3 यूज करते हैं, इसी को हम लोग यही बोलते हैं डेक्रॉन टेलरीन, ठीक है, टेरीन और ग्लिप्टल, ठीक है, ग्लिप्टल सब इसी को नाम है, ठीक है। ये बनता है प्लस N मोलेकुल क्या निकल जाएगा, वाटर मोलेकुल निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कंडेंसेशन पॉलीमर में,
कुछ मोलिकुल वाटर निकलेगा, HCl निकलेगा, अल्कोहल निकलता है, यही सब निकलता है। तो ये सब हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, टेफ्लॉन है, इसको पढ़ लेते हैं, बेकेलाइट, इसका ले लीजिए, बेकेलाइट बनाना पड़ेगा ज़्यादा, इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, तब उसका बना लेते हैं तब समझाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेकेलाइट में फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा तो CH2 प्लस OH बन जाता है। ये CH2 प्लस इसके पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा और थो परा पर ये जुड़ता है, यहाँ भी OH है, यहाँ क्या है, यहाँ पर OH है, ठीक है, और थो परा पर ये जुड़ता है। तो जब स्टेट में ये सब, अब ये फिर एसिडिक मीडियम में करेगा तो ये बनेगा OH2+, OH2+ बाहर निकल जाएगा तो CH2+, फिर उधर से दूसरा मोलिकुल ऐड होगा, इस तरह से ये लीनियर में जो बनता है ये कहलाता है नोवोलैक, फिर नोवोलैक और फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं, नोवोलैक हीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो क्रॉस लिंकिंग गिव्स बेकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड के साथ नोवोलैक को हीट कर देते हैं तो बेकेलाइट बनता है, ठीक है। तो बेकेलाइट का यूज क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं इससे, हैंडल यूटेंसिल का, कुकर सब का हैंडल जो होता है वो बेकेलाइट का ही होता है, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क बनाया जाता है, ठीक है, ये सब इसका बेकेलाइट हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर का ये सब एग्जांपल है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए होंगे। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एच प्लस के प्रेजेंस में CH2OH- CH2+ OH दिया, ये CH2OH+ इसका पाई बॉन्ड से अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड बना, अब ये फिर एच प्लस के साथ OH2 H2O बाहर निकल जाता है, फिर H2O ये निकल जाएगा इसे, जब H2O बाहर निकला -H2O तो ये CH2 बनेगा, CH2+, फिर ये पाई बॉन्ड इधर से ऐड होगा, फिर इस तरह से ऐड होते जाता है लीनियर में, तो ये बना लीनियर पॉलीमर, नोवोलैक क्या कहलाता है, लीनियर पॉलीमर। और उसका जब क्रॉस लिंकिंग कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ हाई टेम्परेचर पर तब वो बन जाता है बेकेलाइट, ठीक है, तो बेकेलाइट का यही है, बेकेलाइट, ये बेकेलाइट बना, बेकेलाइट का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, हैंडल बनाने में, कोई भी पॉट का यूटेंसिल का हैंडल बनाने में, कंप्यूटर डिस्क बनाने में, इस सब में यूज किया जाता है, ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तब मालामाइन फॉर्मल्डिहाइड पढ़ते हैं। देखिए जब मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये रेजिन इंटरमीडिएट के रूप में मिलेगा, फिर ये पॉलीमराइज होकर के मेलेमाइन पॉलीमर बनेगा, और इसका यूज जो करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी में करते हैं, यही है मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। अब एक है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, और एक क्या बनाएंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, 6 नंबर पढ़ेंगे कोपोलीमराइजेशन का, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या होगा, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, पॉलीमर, इसमें क्या होगा, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर होगा, तो यूरिया है, क्या होता है NH2CO NH2 होता है, फॉर्मल्डिहाइड कैसे होता है, फॉर्मल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O,
ये है यूरिया, ये फॉर्मल डिहाइड है। इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा तो इसका एन मोल यूज होगा, इसका भी एन मोल यूज होगा, क्या होगा? इसका एच बाहर निकलेगा, इसका भी क्या हो जाएगा? एन एच सी ओ एन एच एन एच यहाँ हो जाएगा सी एच टू, ऐसे जाएगा। ये होल एन, होल एन इसी को कहेंगे पॉलीमर। ये क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। इसका यूजेज क्या करेंगे? इसका यूज करते हैं हम लोग अनब्रेकेबल कप्स बनाते हैं, कप्स एंड लेमिनेटेड सीट एंड लेमिनेटेड सीट बनाने में इसका यूज करते हैं, लेमिनेटेड सीट बनाने में। तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड को जब मिलाते हैं तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मिलता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का यूज क्या है? अनब्रेकेबल कप्स बनाने में और लेमिनेटेड सीट बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यही हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। लगभग हम लोग सब चीज़ पढ़ ही लिए, अब हम लोग का बचा है सिर्फ ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। क्या बचा है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब चीज़ यही पढ़ना है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए PHBB पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट्रेट, ये कैसे करता है? ये करता है 3-hydroxybutanoic acid प्लस 3-hydroxypentanoic acid ये दोनों रिएक्शन करता है, तब ये पॉलीमराइजेशन के बाद को पॉलीमराइजेशन ही होता है, इसका को पॉलीमराइजेशन होता है, राइजेशन, तब ये देता है PHBB, तब ये देता है PHBB, ठीक है। कैसे होता है देखिए, आपको लिखना पड़ेगा अरेंज करके। OH जब भी रहेगा इधर रहेगा, इस CH पे CH3 ऐसे रहेगा, ये हुआ CH2 CH CH2 C डबल OH, इसको ऐसे लिखिए C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसका फिर OH इस साइड रहेगा OH, इस पर है मेरा इथाइल CH2 CH3, यहाँ पर ये CH2 C डबल OH है। अब जो कटिंग होगा एन मोलेकुल का, इसका भी एन मोलेकुल होगा, इसका भी एन मोलेकुल होगा, इसका भी एन मोलेकुल होगा, इसका भी एन मोलेकुल होगा। तो ये जो कटिंग होता है यहाँ से कटता है, OH का H निकलता है, ये यहाँ से एन मोलेकुल वाटर निकला, यहाँ से इसका H निकलेगा, इसका OH निकलेगा, तो क्या बचा? कोपोलीमराइजेशन के बाद यहाँ फंस जा रहे हैं, कोपोलीमराइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बचा? ओ C
CH plus CH3, CH2, CO, अब यहाँ फिर O बचा, O, CH plus CH2, CH3, इस पे CH2, C double bond O, इधर होल N, यही है PH, BV, क्या है PH, BV, ठीक है। इसका जो हम लोग यूज करते हैं, यूजेज इसका क्या होता है, यूजेज होता है इसका पैकेजिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइस में, पैकेजिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक PAEDIC ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, ऑर्थोपेडिक डिवाइस में इसको करते हैं, ठीक है। एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, रिलीज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स में इसका यूज करते हैं। तो ये हुआ पहला बायोडिग्रेडेबल, ये जो है बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बैक्टीरिया इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा है नायलॉन 2, नायलॉन 6, उसको भी पढ़ लेते हैं, दूसरा लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये जो बनता है नायलॉन 2, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन किसको कहते हैं, एमिनो एसिड को, NH, H, CH2, C double bond OH, ये ग्लाइसिन, ठीक है। प्लस कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड में क्या होता है, NH2, इसका भी N मोलेक्यूल होगा, इसका भी N मोलेक्यूल होगा, CH2 होल 5, C डबल बॉन्ड O O H, इसका इधर से बाहर हो जाएगा, ये इधर H2O बाहर निकल जाएगा, ये इधर H बाहर निकल जाएगा दूसरे मोलेक्यूल से। तो पॉलीमर जो बना क्या बना, ये भी जो है क्या है, को पॉलीमराइजेशन होता है इसका, ठीक है। ये है कैप्रोइक एसिड है, ठीक है। कैप्रोइक एसिड का जब करते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल बनता है, इसका क्या पॉलीमर होगा, एन एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, अब यहाँ फिर एन एच एस टू ओ तो बाहर निकल गया, एन एच सी एच टू होल फाइव सी ओ होल एन होल एन प्लस एन एच टू ओ, एन एच टू ओ निकल जाएगा, ये इन नाइलॉन सिक्स, इट इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इट इज ए बायोडी ग्रेडेबल पॉलीमर, ये जो होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। इस तरह से हम लोग होमोपॉलीमर पढ़ लिए, कोपॉलीमर पढ़ लिए, कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ लिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ लिए। इस तरह से हम लोग सब पॉलीमर को अब हम लोग करीब करीब पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर,
ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 2 या नायलॉन 2-6 भी लेते हैं कहीं कहीं, नायलॉन 6 यही हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग जो वल्केनाइजेशन करते हैं रबर का, प्रॉपर्टी इन्हांस करने के लिए करते हैं। तो कहता है वल्केनाइजेशन और रबर क्या है। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ रॉ रबर, रॉ रबर मतलब क्या है, रॉ रबर मेरा जो है वो आइसोप्रीन है, रॉ रबर विथ सल्फर एंड एप्रोप्रिएट एडिटिव एट टेम्परेचर रेंज 317 to 415 केल्विन ऑन वल्केनाइजेशन फॉर्म्स क्रॉस लिंक्ड एट रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये जो मेरा पॉलीमर है क्या है, CH2 डबल बॉन्ड रहता है ना, या पॉलीमर बनाते हैं यहाँ पर CH3 रहता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ CH, ये CH2 इसका होल एंड रहता है, यही है, यही होल एंड है। अब इसका दूसरा मोलेकुल के साथ क्या करेगा, दूसरा मोलेकुल के साथ मैंने ये पॉलीमर ये हुआ, दूसरा पॉलीमर मान लीजिए ये है CH2 CH CH3, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH CH2 होल एंड करते हैं इसका, यही ना है आइसोप्रीन का नेचुरल रबर, यही है मेरा ना। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड सल्फर अटैक करता है, ये सल्फर जैसे डालेंगे इसमें सल्फर, ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या बना देगा, ये CH3 ऊपर लिख देते हैं तब आसान लगेगा आपको देखने में, ये CH3 ऊपर डाल दिए तब क्या बनेगा, CH2 सिंगल CCH3, अब ये सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ S लिंक हो गया, ये भी CH, यहाँ भी S लिंक हो गया, ये CH2 है, अब इधर से नीचे भी ये CH2 है, ये C इससे लिंक हो गया, CH3 ऐसे चला गया, CH से लिंक हो गया, ये CH2 है, ठीक है। इसका होल एंड, इसका होल एंड करेंगे, यही है वल्केनाइज्ड रबर, ये क्या है मेरा वल्केनाइज्ड रबर, S का क्रॉस लिंकिंग हो जाता है इसमें, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग होने से होता क्या है मेरा, देखिए इसमें जो है सल्फर का 5% डालते हैं, 5% सल्फर होता है इसमें, सल्फर कितना है 5%, ये 5% सल्फर होता है, 5% या आप बोल सकते हैं 3 to 10%, 3 to 10% सल्फर लेते हैं तब ये वल्केनाइज्ड रबर हुआ, ये हो गया वल्केनाइज्ड रबर हो गया, ये वल्केनाइज्ड रबर ऑब्टेन होता है, ठीक है। यहाँ जो है सल्फर क्या है, सल्फर क्रॉस लिंकिंग एजेंट के तरह काम किया, ठीक है। ये जो सल्फर है क्रॉस लिंकिंग एजेंट के काम किया, क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है, तो ये तो हुआ। तो वल्केनाइज्ड रबर क्या हुआ, सिंथेटिक रबर प्लस सल्फर, ये जो मेरा है ये क्या है, सिंथेटिक रबर है, पॉलीमर है, तब ये सल्फर है, ठीक है। तो वल्केनाइज्ड रबर को लिख सकते हैं हम लोग,
बल के नाइज रबर क्या हो गया? बल के नाइज रबर हो गया मेरा क्या चीज? सिंथेटिक रबर, ये सिंथेटिक रबर हुआ ना, पॉलीमर सिंथेटिक रबर प्लस सल्फर नहीं हो गया, प्लस सल्फर, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इन्हांस करेगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इन्हांस करेगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बढ़ेगा इसका, ये क्या हो जाता है, सॉफ्टनेस डिक्रीजेज, इसका सॉफ्टनेस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, सॉफ्टनेस डिक्रीज कर जाता है, ये हार्ड हो जाता है थोड़ा, डिक्रीजेज, ठीक है, सॉफ्टनेस डिक्रीजेज होता है। दूसरा और क्या डिक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज करता है, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज होता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका क्या हो जाता है, वल्केनाइजेशन के बाद घट जाता है, ठीक है। इंक्रीज क्या करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है इसका, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज लिख देते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ठीक है। और क्या होता है, रेसिस्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रेसिस्ट हो जाता है, रेसिस्टेंट अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, यही प्रॉपर्टी इन्हांस करता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी इन्हांस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी इन्हांस करने के लिए इसका ये करते हैं वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन क्या हुआ, वल्केनाइजेशन सिंपल है, पॉलीमर जो मिला हमको, जिसे हमको नियोप्रिन से बन जाता है ये, नहीं आइसोप्रिन से नेचुरल पॉलीमर बनता है, आइसोप्रिन से नेचुरल पॉलीमर बनने के बाद उसका 5% 3-10% वो बीच में कुछ भी दे सकते हैं, तो 5% लिख दिए, तो 5% सल्फर यहाँ क्रॉस लिंकिंग एजेंट का काम किया, ये पाई बॉन्ड पे अटैक करके ये क्रॉस लिंकिंग कर दिया, जिससे इसका ये सब प्रॉपर्टी इन्हांस कर जाता है, क्या क्या, सॉफ्टनेस डिक्रीज कर गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, रेसिस्टेंट अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अगेंस्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। यही सब है। अब एक जान लीजिए कि DDT जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, DDT ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एक नोट करके लिख लीजिए, एक बार पूछा है, ठीक है, हमको पहले ही लिखना था बायोडिग्रेडेबल के समय ही, क्या है DDT डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT इज नॉट
इज नॉट बायो डिग्रेडेबल, नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉलीमर, ये पॉइंट याद रखना है। इस पॉइंट, इससे वल्केनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है इसका, इसका वल्केनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन का था, वल्केनाइजेशन के पहले ही हुआ, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसके पहले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था, तो डी डी टी नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहीं लिख देते हैं, नहीं तो काहे के लिए नीचे, नहीं तो लगेगा बाद में है, तो ये छूट गया था उस समय, इसको लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, डी डी टी ये कोई बना दीजिए, डी डी टी इज नॉट ए बायो डिग्रेडेबल डिग्रेडेबल पॉलीमर। तब हम लोग पढ़ेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ये स्टार मार दीजिए, ये याद रखना है, ये सब कभी भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, तब वल्केनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। वल्केनाइजेशन क्या हुआ, दिस प्रोसेस कंसिस्ट हीटिंग मिक्सर ऑफ रॉ रबर, ये रॉ रबर हुआ, विथ सल्फर एप्रोप्रिएट एडिटिव टेम्परेचर रेंज। अब देखिए सल्फर ऐसा तो नहीं ना एक सिर्फ सल्फर ही डालने से होता है, अब अलग अलग रबर कंपनी है, अलग अलग टाइप से एडिटिव, यही उसका एडिटिव जो डाला जाता है वो कंपनी का अपना क्या रहता है, अपना अपना होता है, वो किसी को नहीं बताया जाता है, वो एडिटिव किसी को नहीं बताएगा, मेन चीज़ बता देगा ये है, लेकिन कितना अप्रॉक्सीमेट रेंज रख रहा है वो नहीं बताता है, ठीक है। तो वल्केनाइज रबर का यूज जो हम लोग करते हैं, यूज किस में किए, वल्केनाइज रबर का यूज नहीं लिखे हम लोग ना, यूज हम लोग सिंथेटिक रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर शायद समझ गए होंगे, इसका वही में होता है। अब देखिए अगर ये भी याद रखिए, अगर 30% सल्फर मिलाते हैं, 30% सल्फर अगर मिलाते हैं तब ये कौन सी में, इबोनाइट में यूज होता है, इबोनाइट में यूज होगा, बैटरी का ये जो बनाते हैं ना हम लोग बैटरी कंटेनर, इबोनाइट का ही होता है, बैटरी कंटेनर या बोलिए या कैबिनेट बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ठीक है, बैटरी कंटेनर भी लिख सकते हैं, क्या होता है स्पेसिफिक पता नहीं, कंटेनर, ये 30% अगर रबर में मिला देते हैं तो तब ये इबोनाइट बैटरी कंटेनर बनता है, यही 30%, 5% तब वल्केनाइज रबर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग पॉलीमर का मैक्सिमम पार्ट देख लिए, ठीक है, जितना हमको एनसीईआरटी अलाउ कर रहा है, एनसीईआरटी में यही सब है, तो एनसीईआरटी वाला पार्ट देख लिए, ठीक है, इसको आप लोग केयरफुल होके देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, थैंक यू।